लेसन लेकर। जैसा कि आपको पता है, हमने परसेंटेज के 3 या 4 लेसन पढ़ चुके हैं, जिसमें कि संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन करे हैं, और क्या कहते हैं, परसेंट कम और परसेंट ज़्यादा, परसेंट की हानि और परसेंट की वृद्धि पे क्वेश्चन किए हैं, कमी वृद्धि के क्वेश्चन किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं। आज हम परसेंटेज के एरिया और वॉल्यूम के, मतलब क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि किसी आयत का क्षेत्रफल 10%, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ गई तथा उसकी चौड़ाई 20% बढ़ गई, तो आयत का नया क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। यदि वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ गई या फिर, तो उसका क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ये सब के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी कर दी गई, ठीक है। एक गोले के व्यास में 10% की कमी कर दी गई तो उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी, ठीक है। यदि गोले की, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी यदि हमने गोले के व्यास को 10% की कमी कर दिया, ठीक है। तो इसको हम इफेक्टिव फार्मूला, आपको पता होगा मैंने पिछली वीडियो में इफेक्टिव फार्मूला बताया था, तो इफेक्टिव फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इफेक्टिव फार्मूला से भी कर सकते हैं। इफेक्टिव फार्मूला आपके सामने ये है, ±x / x / y/100, ठीक है। माइनस में दिया तो -10 -10 -20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 upon -100 हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यदि हम इसको फ्रैक्शन से करते, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए, यदि हम फ्रैक्शन से करते 10% को यदि फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे आप तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। कमी हो रही है, ठीक है, 10% की कमी हो रही है। यदि 10 से कितना हो रहा है, 9 से कितना हो रहा है, 9। आयतन की बात कर रहा, तो हम इसका क्यूब कर देंगे, 10 से 9 हो रहा है, ठीक है। ये 10 से 9 हो रहा, आयतन की बात बोल रहा है, ठीक है। आयतन जो आता है वो काय में आता है, 3D में आता है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्यूब। तो 10 का क्यूब हो जाएगा कितना, 1000, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, ठीक है। पहले कितना था, 1000 था, अब कितना हो गया, 729 हो गया। कितने की कमी आई, 221 की, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 271 में, ठीक है। कितने का, 271 का। कितने की कमी आई, 271 की कमी आई। पहले कितना था, 1000 271/1000, 0 से 0 कैंसिल, ये 100 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि परसेंट निकाल सके, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना, 271/10, तो ये 10 है, तो कितना हो जाएगा, 27.1% की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया, पहले हमने क्या किया, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया, कमी बोल रहे तो 10 में से 9 हुआ। अब आयतन की बात करो, तो हमने उसका क्यूब कर दिया, तो 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729, कितने का अंतर है, कितना कम हुआ, 271 कम हुआ, ठीक है। पहले कितने था, 1000 था, ठीक है। कितने परसेंट की कमी होगी, तो पहले कितना था, 1000 था, अब कितना हो गया, 729, कितने का अंतर है, 271 का, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल और 27.1% की कमी हो गई, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक घन की भुजा, घन जानते हैं आप, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, तो क्या हुआ, 1/10, आपने पता पहले पिछली बार भी किया, तो 10% की वृद्धि हुई। पहले 10 से 9 हो रहा था क्योंकि कमी थी, अब 10% की वृद्धि हुई तो 10 से 11 हो गई। अब आयतन की बात करा और घन है, ठीक है, तो 3D डायमेंशन, तो और इसका आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब, 10 का क्यूब 1000 और 11 क्यूब 1331, आपको पता होगा 11 क्यूब 1331, इन दोनों का अंतर, पहले 1000 था, अब कितना हो गया, 1331, इन दोनों का अंतर कितना है, 331 का, ठीक है। 331 का अंतर है, पहले कितना था, 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दिया 1000 से, परसेंट की वृद्धि निकालना, परसेंट वृद्धि तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, कितना है, 33.1, कितना है, 33.1% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत, अब किसकी बात हो रही, आयताकार खेत, अब आयताकार खेत क्या होता है, 2D डायमेंशन में होता है, ठीक है। 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% घटा दिया गया। लंबाई में 20% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 10% घटा दिया, तो इसको हमने 20% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना है, 1/5, 10% को फ्रैक्शन में चेंज किया कितना है, 1/10, ठीक है। लंबाई कितनी हो रही, लंबाई देखो 20% बढ़ रही तो 5 से 6 हो रही है, चौड़ाई 10% घट रही है तो कितनी है, 10 से 9 हो रही, बात समझ में आ रही, लंबाई 5 से 6 हो रही है, चौड़ाई 10 से 9 हो रही है, 5 से 6 10 से 9, क्योंकि ये घट रही है चौड़ाई और लंबाई बढ़ रही। अब इन दोनों का आपस में अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 50 ये हो गई और 9 × 56 ये हो गई,
ठीक है, 54 हो गई। कितने का अंतर है, पहले 50 था अब 54 हो गया, 4 का अंतर है, पहले कितना था 50, 4/50 गुणे 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%, ठीक है 8% का परिवर्तन होगा। क्या करें हमने, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करें, 10 × 50, 9 × 56, ठीक है कोई दिक्कत। 4 का अंतर है, पहले 50 था अब 54 हो गया, तो 50 इसको काट दिए 25, 50 से 2 टाइम्स कटा और 4 दूनी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। एक वर्ग जानते हैं आप, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ जाएगा। 25% क्या होता है, 1/4, 25 × 25, 25 × 100, 1/4, 25% बढ़ाई गई मतलब 4 से 5 कर दी गई, 4 से 5 कर दी गई। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ठीक है इसका स्क्वायर कर दो, 4 × 16, 5 × 25, ठीक है पहले कितनी थी 16, अब कितनी हो गई 25, ठीक है कितने का अंतर आया, 9 का अंतर आया, ठीक है 9, पहले कितनी थी 16 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100% निकालने के लिए, तो 4 × 16, 25 × 100, 25 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225/4, आंसर कितना आएगा 56 सही, 1/4, कैसे 4 × 5 = 20, बचा कितना 2, 4 × 6 = 24, 1/4, ठीक है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई तथा उसकी चौड़ाई 10% घटाई गई, सॉरी बढ़ाई गई, दोनों जगह बढ़ा रहे हैं, एक बार 5% बढ़ाई, एक बार 10% बढ़ाई, 5% को फ्रैक्शन में 1/20, 10% को फ्रैक्शन में 1/10, बढ़ाई गई तो 20 से 21 और चौड़ाई 10 से 11, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 200, 21 × 231, कितने का अंतर है, 31 का अंतर है, पहले कितनी थी 200 थी, अब 31/200 × 100 ये कट गया, बचा कितना 31/2, तो 15 × 30 बचा 1, 15 सही, 1/2, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, इसकी ट्रिक कैसी लगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिए मेरे।